खंडवा में कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में कांग्रेस ने ज्ञानेश्वर पाटिल पर सिटीजन नागरिक सहकारी बैंक बुरहानपुर के डिफॉल्टर कर्जदार होने के आरोप लगाए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपने नामांकन फॉर्म में इस बात का व्यवस्थित उल्लेख नहीं किया। साथ ही ज्ञानेश्वर पाटिल ने राज्य बुनकर सहकारी संघ के अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और लगभग 50 करोड़ का लोन सहकारी नियमों के खिलाफ बुनकर सहकारी समितियों को दिलवाए, जिनकी वसूली अब तक नहीं हो पाई। वहीं बीजेपी ने इस आरोप को नकारते हुए कहा, हमारे उम्मीदवार पर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। भाजपा के जो प्रत्याशी है ज्ञानेश्वर पाटिल जी, ये पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी के एकदम खास व्यक्ति रहे हैं। इनको सिटीजन बैंक में डिफाल्टर होने के बाद भी राज्य बुनकर पावरलूम सहकारी संघ में अध्यक्ष पद की लिए और संचालक मंडल में लिया गया, जो कि सहकारिता एक्ट के तहत उल्लंघन है सीधे नियमों का। उसके बाद उस संस्था के द्वारा इनके कुछ खास लोगों की फर्जी संस्थाएं बनाकर उनको लाभ पहुंचाया गया और उसमें भी जो सहकारिता एक्ट और सहकारिता विभाग के नियम के अनुसार जो संपत्ति बंधक रखनी थी या शासकीय गारंटी होनी थी, उसको बिना लिए बगैर लगभग 50 करोड़ रुपए के गबन संस्थाओं के माध्यम से आ रहा है, जिसकी वसूली बैंक के द्वारा उन पर लंबित है। इसी आधार पर कई तरह की शिकायतें हुई है और उसकी जांच चल रही है। सहकारिता न्यायालय में भी प्रकरण चले और इनकी प्रक्रिया को दोषपूर्ण माना गया। सबसे अंतिम दौर में अपेक्स बैंक की जांच चल रही है। कमलनाथ जी की सरकार के समय जांच पूर्ण हो गई थी और इन पर कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन पुनः भाजपा की सरकार बनने के बाद इन पर वो जांच की कार्रवाई को लंबित कर दिया गया है और वो कार्रवाई जानबूझ के लंबित की गई है। और यहाँ तक कि जो बुनकर सहकारी संघ के वकील हैं, उनको जिला सहकारी बैंक बुरहानपुर के बैंक का वकील भी बना दिया गया है, जो वो भी इनके दबाव में ही बनाया गया है, इनको बचाने के लिए बनाया गया। अब इसमें हम भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और खंडवा निर्वाचन अधिकारी से हमने मांग की है कि इनकी सारी प्रक्रिया की जो जांच समिति है उससे सारे प्रमाण और साक्ष्य प्राप्त कर ले चुनाव आयोग, और उसके आधार पर इनका तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द किया जाए, लोकतंत्र की सुरक्षा की जाए और आम जनता का जो मत देने का अधिकार है उसका विश्वास जनता में बना रहे और लोकतंत्र की सुरक्षा हो और इनका नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द हो। देखो, शिकायत और समाधान अलग अलग चीज़ है। उन्हें जो शिकायत किया उसका समाधान भी होगा, वो क्या है, सच्चाई क्या है, वो तो उनको साबित करना पड़ेगी। और हमारा उम्मीदवार जो है सशक्त और मजबूत है। जिला पंचायत का खंडवा का भी अध्यक्ष रहा है, जब खंडवा बुरहानपुर इकट्ठा था। अब बुरहानपुर जिला का अध्यक्ष हमारे भाभी साहब जैसी पार्टी भी पहले अध्यक्ष रह चुकी है, और कांग्रेस काम तो शिकायत करने का है, वो करती रहे, दूध का दूध और पानी का पानी, सब साफ हो जाएगा। शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का नामांकन पत्र निरस्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।